मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि 2017 में भी मुझे अवार्ड मिला था बेस्ट वीडियो का, वो लेकिन एक हमारे जो अमेरिका में है प्रोड्यूसर थे उन्होंने बनाया था, 3D में बनाया था वो, तो देट वॉज बेस्ट वीडियो एंड दिस टाइम आई गॉट द बेस्ट सिंगर अवार्ड इन द सेम। और सुरबहार जो आपका म्यूजिक स्कूल है यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में, इसकी स्थापना कब की और क्या विजन है और किस तरह से आप लोगों को मदद कर रहे हैं म्यूजिक सीखने में, किस तरह से आपका ये विजन जो आपका इनिशिएटिव है कामयाब हुआ? 2002 में हमने सुरबहार को रजिस्टर किया वहाँ पे और फिर हमने पब्लिसिटी के बाद शुरू किया तो बेतहाशा स्टूडेंट्स आने लगे मेरे पास, तो छोटे बच्चों से लेके आप बिलीव नहीं करेंगे कि बड़े बड़े मतलब बुजुर्ग वार जो रिटायर हो चुके हैं वो मेरे पास आके बोले क्या हम सीख सकते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं सीख सकते, दिल की हर इच्छा पूरी करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे पास सिर्फ अपने इंडियंस ही नहीं है, मेरे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, अफगानी हैं और फिजी वाले हैं और कुछ गोरे भी हैं, उनको थोड़ा वो इंग्लिश में बताना पड़ता है मुझे, लेकिन सभी हैं। संगीत का बहुत काफ़ी ज़्यादा है आज के ज़माने में, कभी भी देखा जाए, लेकिन क्या कहना चाहिए कितना ज़्यादा संगीत जगत को या संगीत से जुड़े लोगों को अहमियत दिया जाता है या कितना ज़्यादा देना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगी US में मैंने एक बात और देखी कि संगीत को इतनी वैल्यू दी जाती है क्योंकि संगीत तो मेडिटेशन है एक्चुअली, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप संगीत तो क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज करें तो आप डिप्रेशन से दूर चले जाएंगे, और उसको वो लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल हर जगह, वहाँ पे मेडिटेशन चल रहा है, हर जगह योगा चल रही है, तो मैंने देखा शुरुआत तो हमारे देश से हुई है और हम ही लोग उसको भूल रहे हैं। ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स होते हैं ज़्यादातर संगीत के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ज़्यादातर हिंदी फिल्मों के गाने उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, ये कहाँ तक सही है गलत मानते हैं? ये सही है, लेकिन टीचर के हाथ में कि बच्चों में कैसे इंटरेस्ट पैदा करें। मेरे पास भी बच्चे आके कहते हैं कि हमको ये सीखना, हम कहते हैं सीखने से पहले समझो सीख क्या रहे हो, संगीत की जब तक तुम्हें बुनियाद नहीं पता चलेगी कोई फ़ायदा नहीं, जितने भी पॉप सॉन्ग गाओगे पहले तुम क्लासिकल की ट्रेनिंग लो चाहे थोड़ी बहुत भी लो, उसके बाद तुम बॉलीवुड गाने गाओ चाहे कुछ भी गाओ, तो बच्चे मान जाते हैं, उनको समझाना पड़ता है। अभी मेरे को मैंने जो भी आपने अचीव किया अभी तक लाइफ में, जो पहचान बनाई है, किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगे इस सफर में, संगीत से संबंधित या फैमिली से संबंधित? नहीं, सबसे ज़्यादा देखिए मेरे माँ बाप जिनका आशीर्वाद बहुत रहा मुझ पर, उनका सपना था कि मैं एक अच्छी कलाकार बनूँ, आज मेरे बीच में नहीं है, मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड मेरे सामने, अरुण भटनागर जी, इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ खड़ी भी नहीं होती, और इसके अलावा भगवान को, और मेरी जो सबसे ज़्यादा मेरी फैन रही हूँ, देखिए आजकल के सिंगर्स जो बहुत अच्छे हैं पर जो पुराना जो सिंगर्स थे उनका तो कोई मुकाबला नहीं, लता जी, आशा जी, गीता दत्त, आज भी हम US में इनके गाने गाते हैं लोग झूम 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 जाते हैं। अलग ये गाना है, इस गाने का किस तरह गाना है, मलयालम किस गाने के बारे में, गाने के बारे में गाना कैसा है आपका, कौन सा फिल्म का? जो जो हाँ फिल्म भी है यकीन, यकीन के गाने रोमांटिक हैं और एक सूफी गाना भी है जो मेनली जावेद अली जी ने अपने अंदाज में गाया है और बहुत हाई पिच में मैंने भी उनके साथ गाया है, और शान जी का तो जो गाना है दैट इज़ अमेजिंग, ऐसे लगता है रफ़ी साहब का ज़माना लौट आया है, जब वो गाना आप सुनेंगे तो आप खुद ही कहेंगे सुनने के बाद। दो लाइन मुझे गाना का, तुमको देखा तो दिल गुनगुनाने लगा, ना 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 रे मचलने लगे जिसका था इंतजार, तुम ही तो हो जिसका था इंतजार, वो तुम ही तो हो मेरा प्यार, तुम ही तो हो। थैंक यू, फिल्म के बारे में जी, यूनिटी इंटरनेशनल के बैनर तले ये फिल्म बन रही है और ये एक फ्रीडम फाइटर हैं उनकी ज़िंदगी पर बन रही है, जो कि बहुत ही एक एग्रेसिव किस्म के इंसान थे और जिनकी जो जंग थी वो सिस्टम के खिलाफ थी और उन्हें यकीन था कि वो एक दिन इसमें कामयाब हो, यकीन। तो कौन है ये जब जी? एक्टर की बात करो, एक्टर जी हाँ, एक्टर की बात कर रही हूँ और ये करेक्टर जो है रियल करेक्टर है, अभी हमने इसको पूरी तरह से जिसे कहते हैं ताश के पत्ते खोले नहीं जाते हैं, तो अभी थोड़े से जब खुलेंगे तब मज़ा आएगा। किस तरह का ये फिल्म दिखाएंगी आप, इसके अंदर क्या है कुछ दो लाइन में कुछ अगर हिंट दें आप? देखिए यकीन ये है कि अगर हम सच पे हैं और हम नेकी के ऊपर हैं तो हमें कामयाबी मिलना लाजमी है, और ये जो फिल्म है
1857 से भी पहले की है, उस दौर की है, और उस दौर को हमने बहुत अच्छे से दिखाया कि किस तरह अंग्रेज लोग हमारे देश में आ गए थे और किस तरह अत्याचार हुए और किस तरह ये जो हमारा कैरेक्टर है उनसे जंग लड़के और उसने अपना यकीन कामिल किया। कुछ पॉलिटिकल ये भी होगा इसके अंदर? जी हाँ, पॉलिटिकल उस दौर की राजनीति भी है और बहुत सारे कैरेक्टर हैं। आप जुड़े कैसे, आप किससे जुड़े हैं? देखिए, मैं शुरू से ही एक पहले सबसे पहले मैं राइटर रही हूँ और मैंने सुराग मिलते हैं ब्रेक के बाद, दिल की कलम से, मस्त मस्त सैटरडे सस्पेंस वगैरह बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे हैं मैंने, सीरियल की शो किए हैं एज ए राइटर। और मैंने ये स्क्रिप्ट पहले की थी, एक स्टोरी बनाई थी जिसे फिर स्क्रीन प्ले और डायलॉग इस्लाम खान साहब ने उसका किया है, और जो इसमें हीरो हैं अनमोल काजमी हैं और हीरोन है संजना, इसके अलावा रजा मुराद साहब, गुफी पेंटर और फरीदा जलाल और कई बड़े आर्टिस्ट आपको देखने के मिलेंगे और शायद आप करिश्मा जी को भी देख पाएंगे। आज हमने इसका म्यूजिक लॉन्च इसलिए किया है क्योंकि आज एक शुभ दिन था और हम चाहते थे कि इसके गाने फिल्म से पहले लोग में पॉपुलर हो जाएं। तो हमारी दोस्त हैं अलका भटनागर जी, जो कि यूएसए की बहुत ही मशहूर और फेमस सिंगर हैं और बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, तो उन्हीं ने ये गाने गाए हैं इसमें जावेद अली के साथ और कुमार शानू के साथ और शान जी के साथ में, और भी कुछ देशभक्ति का भी एक सॉन्ग है। तो कुल मिलाकर इसे करके हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हमें उम्मीद है कि हम एक मकसद तक ज़रूर पहुंचेंगे और देश को एक मैसेज देंगे जो अभी सीक्रेट भी है कुछ। तक कब तक क्या प्लान है, कब तक हो जाएगी फिल्म? लेकिन एंड ऑफ द ईयर आई थिंक 2019 जी। शूटिंग कब तक शुरू कर रहे हैं? शूटिंग चालू है इसकी, यूपी में हो चुकी है, चल रही है और कुछ मुंबई में होगी, मैं है देहरादून में, बिजनौर में है। ओके, थैंक यू।